जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पर स्वागत करता हूँ। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जो मौलिक नियुक्ति का स्पष्ट आदेश दिखाने के पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश द्वारा ये पदोन्नति कर भी दी गई, मतलब प्रमोशन या लिस्ट भी बनी और प्रमोशन भी हो गया। ये प्रमोशन का देखिए स्पष्ट आदेश है, जो सहायक अध्यापक थे उनको हेडमास्टर बना दिया गया है। अभी हमारे देखिए बेसिक शिक्षा परिषद में अभी लिस्ट ही फाइनल नहीं हो पा रही है, डेट पर डेट बढ़ाई जा रही है, लेकिन आज उम्मीद लग रहा है कि आज 16 तारीख आज हर हाल में जो साइट है उस पर आ जाएगा। अब मैं आइए एक जनपद का आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसमें स्पष्ट आदेश आया है। किया जा रहा है कि आपकी वरिष्ठता सूची जो है वो बेसिक परिषद .upsdc.gov.in पर दिखेगी। वैसे ही आदरणीय बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर द्वारा यह आदेश निर्गत किया गया है, और ये देखिए इनका जो स्पष्ट नोट आपको पढ़ने लायक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए दिया हुआ है, प्रदर्शित अंतिम वरिष्ठता सूची के कॉलम नंबर 8 मौलिक नियुक्ति तिथि के अंतर्गत जिन अध्यापकों की सीधी भर्ती जनपद सीतापुर में हुई है, उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि के कॉलम में प्रथम कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक अंकित है। ठीक है, तो यहाँ पर सर द्वारा जो है कार्यभार ग्रहण का तिथि ली गई है। आप देख रहे होंगे कि अन्य जनपदों में कई ढंग से बनी है, कई जगह मौलिक नियुक्ति तिथि दी गई है जो कि नियुक्ति पत्र पे दिया गया है। कई जनपदों में ज्येष्ठता का आधार जो है वो लिया गया है जन्मतिथि को, और कई जगह गुणांक को लिया गया है। मुझे लगता है कि ये जो हमारे नियोक्ता हैं, हर एक जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि जनपद में बिना विवाद के कैसे प्रमोशन कर दिया जाए। उसी आधार पर ये वरिष्ठता सूची अन्य अन्य जनपदों में अलग अलग ढंग से बनाई जा रही है। अब देखिए, जो अध्यापक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप जनपद सीतापुर में आए हैं, ऐसे अध्यापकों की सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अंतर जनपदीय स्थानांतरण के उपरांत जनपद मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अंकित है। मृतक आश्रित के मामले में ऐसे अध्यापक जिनको मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक द्वारा प्रशिक्षण मुक्ति प्रदान की गई है, प्रशिक्षण मुक्ति की तिथि, और यदि प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि अंकित है। तो इस तरह से देखिए जो मौलिक नियुक्ति तिथि है जनपद सीतापुर में की गई है। आज देखिए दोस्तों, आज 16 तारीख है और मुझे आज उम्मीद है, ये डेट तो नहीं बढ़नी चाहिए, मुझे उम्मीद है जितने भी जनपदों ने दिया होगा उनका आज अपलोड हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद देखिए काफ़ी कार्रवाई बाकी है। टीचरों कर इस पर जो आपत्ति दर्ज करनी है उसका बाकी है, उसके बाद फिर से एक और लिस्ट जारी होगी, और उसके बाद काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होगी, फिर विद्यालय आवंटन होगा, फिर पत्र जारी होगा, फिर वहाँ पे हमें ज्वाइनिंग करनी होगी। तो काफ़ी कुछ अभी बाकी है, तो अगर निश्चित समय पर करना है तो आज मुझे लगता है कि 16 तारीख को देखिए 3 बजे से हमें मतलब मिल जाएगा और हम आपत्ति दर्ज कर सकेंगे 23 तक। ठीक है, ये थी दोस्तों आज की अपडेट। थैंक यू वेरी मच।